फ्रेंड्स, जो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, पॉलीन्यूक्लियर मतलब एक से ज्यादा बेंजीन रिंग, उनमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं और उनमें बॉन्ड लेंथ किस तरीके से कंपेयर किया जाता है, तो उसके लिए जैसे अपने पास यहाँ पर एक केस मैंने लिया है नाफ्थलीन का और एक केस मैंने लिया है एंथ्रासीन का। तो नाफ्थलीन में जो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, अगर ये जो बेंजीन के न्यूक्लियस हैं वो अगर अपने पास सीधे सीधे जुड़े हों तो फिर इनका नंबर हम दे सकते हैं N+1 से, मतलब जितने बेंजीन रिंग होंगे प्लस वन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जैसे यहाँ पे दो रिंग एक साथ इस तरीके से जुड़े हुए हैं तो 2, 1+1, यहां पर अपने पास जो है ये आ जाएगा नंबर ऑफ, मतलब यहां पर अपने पास कितने न्यूक्लियस कितने हैं, दो है, तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे 3। यहां पर न्यूक्लियस कितने हैं, 3 है, तो 3+1, 4, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विल बी 4। तो ये अपने पास अगर स्ट्रेट अपने पास जो है बेंजीन न्यूक्लियस जुड़े होंगे तो इस तरीके से आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। सो अब इसमें स्ट्रक्चर्स वैसे बनाने के लिए करना ये पड़ता है कि जैसे अभी बीच में डबल बॉन्ड रखा है, फिर इसमें एक में यहां पे डबल बॉन्ड कर दो, फिर यहां पर एक डबल बॉन्ड कर दो, वैसे ही अभी यहां डबल बॉन्ड रखा है, फिर यहां डबल बॉन्ड रख दो, फिर यहां डबल बॉन्ड, फिर यहां डबल बॉन्ड, बाकी उसके अकॉर्डिंग आप जो है यहां पर जो है बाकी जो डबल बॉन्ड्स बनेंगे। इस स्ट्रेट वाले लाइन पे डबल बॉन्ड, फिर यहां पे डबल बॉन्ड, फिर यहां डबल बॉन्ड, सी यहां पे और ये डबल बॉन्ड, वैसे ही अभी मैंने यहां पर डबल बॉन्ड रखा है, फिर इस वाले पे डबल बॉन्ड, फिर इस वाले पे डबल बॉन्ड और फिर इस वाले पे डबल बॉन्ड, लाइक दैट, ठीक है। अब नाफ्थलीन में जो नंबरिंग होती है वो है इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, और इसमें से 1, 4, 5, 8 जो है ये कहलाते हैं अल्फा कार्बन और 2, 3, 6, 7 ये कहलाते हैं बीटा कार्बन। अब इनमें यदि हम डबल बॉन्ड कैरेक्टर की बात करें, जैसे C1, C2 या C2, C3 पे हम डबल बॉन्ड की बात करें, तो C1, C2 में डबल बॉन्ड कितने स्ट्रक्चर्स में अपीयर हुआ है, तो C1, C2 में यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, लेकिन वहां पर सिंगल बॉन्ड है, तो C1, C2 में जितनी जितने स्ट्रक्चर्स में, जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में डबल बॉन्ड आया हो, जैसे यहां पर आया है अपने पास 2, और टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये आ जाएगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर। वैसे ही C2, C3 में अगर अपने को डबल बॉन्ड कैरेक्टर देखना हो तो C2, C3 में कितने स्ट्रक्चर्स में डबल बॉन्ड आया है, 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हैं, 3, तो ये अपने पास दे देगा यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो यदि यहां पर अपने को कंपेयर करना हो C2, C3 बॉन्ड लेंथ और C1, C2 बॉन्ड लेंथ, वी कैन से C2, C3 बॉन्ड लेंथ जो है वो अपने पास C1, C2 बॉन्ड लेंथ से ज्यादा बड़ा होगा, उसकी लेंथ ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि C1, C2 में अपने पास ज्यादातर ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो कर रहा है, जबकि जो C2, C3 है वो कम समय तक अपने पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो कर रहा है, ठीक है। वैसे ही आप यदि हम एंथ्रासीन की बात करें, तो ये अपने पास यहां पर टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे 4, इनमें नंबरिंग होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यहां पर यदि हम C1, C2 के बॉन्ड को कंपेयर करें तो कितने C1, C2 बॉन्ड्स हैं जो डबल बॉन्ड के रूप में हैं, 1, 2, 3 बस, अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हैं, 4,
तो 3/4 टाइम ये अपने पास जो है डबल बॉन्ड के फॉर्म में है। जबकि C2C3 की बात करें तो ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, केवल एक स्ट्रक्चर में ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो कर रहा है। सो 1/4 दैट मींस C2C3 बॉन्ड लेंथ यहां पर अपने पास C1C2 के कंपेरिजन में क्या होगा, ज्यादा लेंथी होगा। ठीक है, और यहीं पर एक और पॉइंट आता है, यदि हम रेजोनेंस एनर्जी की बात करें, बेंजीन का रेजोनेंस एनर्जी ये होती है 150.4, जबकि ये है अपने पास यहां पर 351। रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा मानी जाती है। कोई भी स्पीशीज का रेजोनेंस एनर्जी जितना ज्यादा होगा उस स्पीशीज की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो नेफ्थलीन शुड बी लेस रिएक्टिव, या अपने पास एंथ्रासीन शुड बी मोर स्टेबल और लेस रिएक्टिव। जबकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई एंथ्रासीन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, तो उसका रीजन है यहां पर रेजोनेंस बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी इतनी है और एंथ्रासीन की इतनी है पर मोल, लेकिन यहां पर एंथ्रासीन में हमारे पास कितने रिंग्स हैं, 3। तो पर रिंग अगर अपने पास यहां पर देखा जाए तो ये अपने पास आ जाएगा करीब करीब 117 के आसपास, 117 किलो जूल पर बेंजीन रिंग ये अपने पास आ रही है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एंथ्रासीन इज एक्चुअली मोर रिएक्टिव देन बेंजीन टुवर्ड्स डील्स-एल्डर रिएक्शन, जैसे अपने पास है टुवर्ड्स डील्स-एल्डर रिएक्शन एंथ्रासीन इज फाउंड टू बी मोर रिएक्टिव। ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज अबाउट पॉलीन्यूक्लियर जो अपने पास हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, उनमें अपने पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एक पॉइंट, दूसरा उनका बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन और उनकी रिएक्टिविटी। तो एंथ्रासीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उससे कम है अपने पास नाफ्थलीन, उससे कम है बेंजीन, और करीब करीब फिनाइलथ्रीन जो है बेंजीन के बराबर ही रिएक्टिव है। इज दिस ओके?